अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहते किसको है? करंट का, अगर ये वायर है ना, वायर इसके साथ कोई बैटरी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल लगाता हूँ, साइड में नेगेटिव टर्मिनल लगा देता हूँ, करंट का एक साइड से दूसरी साइड की तरफ हरकत करना, फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मीडियम, कोई भी मीडियम हो, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर करंट फ्लो करेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो यही बात हम यहां पर लिखेंगे कि फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मीडियम, किसी भी मीडियम में से करंट के बहने को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। बच्चे याद रखिएगा, एक सिंपल सी बात यहां पे लिखूंगा, करंट गुजरने के लिए ना दो चीजों में से किसी एक का होना जरूरी है। किन चीजों में से? दो चीजों में से एक का होना जरूरी है। Following things are required for electrical conduction। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए ये चंद एक चीज़ों का होना ज़रूरी है। बच्चा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दो चीज़ों की वजह से हो सकती है, या तो ये होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, या फिर ये होगी फ्री आयंस की वजह से हो सकती है, या फिर ये हो सकती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अच्छा, फ्री आयंस की बात की जाए तो फ्री आयंस में हमारे पास दो तरह के आयंस आ रहे होते हैं, एक होता है हमारे पास कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है, और एक होता है हमारे पास एनायन। जैसे कैटायन की बात करूं तो एन ए प्लस एंड एनायन, एनायन की बात करूं तो सी एल माइनस, सही है। तो ये सिंपल सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, कैटायन और एनायन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इसी बुनियाद पे, फ्री आयन की वजह से और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, एक है हमारे पास हेडिंग दो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। आइए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है? अगर किसी मीडियम में करंट फ्री आयंस की वजह से गुजरे तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। द पैसेज ऑफ करंट, करंट का पैसेज है थ्रू अ मीडियम या थ्रू अ सॉल्यूशन कह सकते हो, या मीडियम कैसा सॉल्यूशन, या फिर इसकी जगह पे एक मीडियम वर्ड भी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रू अ मीडियम ड्यू टू फ्री आयंस आर कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का नाम दे रहे होते हैं। मसलन आप यहाँ पे पानी लो, पानी में ना नमक डाल दो, आप पहले सिर्फ पानी लो, यहाँ पे दो पत्तियाँ डालो, इसको बैटरी के साथ जोड़ो यहाँ पे, सही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन यहाँ से पानी करंट नहीं गुजरेगा, लेकिन आप इसमें NaCl डालो, आम खाने का नमक डालो, सही है। जैसे आप NaCl डालते हो तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे Na प्लस साइन पैदा हो जाते हैं और Cl माइनस साइन पैदा हो जाते हैं, ये आयंस पैदा होने की वजह से इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। अगर करंट आयंस की वजह से गुजरे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और इसके अलावा एक और भी है, वो है मेटैलिक कंडक्शन। वो क्या हमारे पास? सेकंड मेटैलिक कंडक्शन, हेडिंग दे दो मेटैलिक कंडक्शन। अब मेटैलिक कंडक्शन क्या होती है कि किसी भी मेटल में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर करंट गुजरता है तो उसको हम क्या नाम देंगे? मेटैलिक कंडक्शन।
क्या नाम दे रहे हैं इसको, मेटालिक कंडक्शन, द कंडक्शन, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन है थ्रू अ मेटल, एक मेटल में से, थ्रू अ मेटल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फिर इसकी जगह पे एक और वर्ड है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्शन। अगर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट गुजर रहा है तो दैट टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज मेटेलिक कंडक्शन। और इसके बारे में बात याद रखिए, जितनी भी मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्ट होती हैं, क्या जी, ऑल द मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छे कंडक्टर होती हैं। इसके बाद एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होती है, नेक्स्ट क्या टर्म है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस, बस इस वर्ड पे गौर करोगे ना आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं इसको लफ्ज को, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है, दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। जिसने हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया हमने कहा था जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेक डाउन, करंट गुजार के अगर किसी चीज़ को तोड़ते हो तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आपने ना, मैं आपको याद करवाता हूँ थोड़ा सा, नाइन्थ क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता था वहाँ पे, सही है, क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि वाटर में से जब करंट गुजारा जाता है तो ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस में और साथ में ऑक्सीजन गैस में। अब आपने किया क्या है कि करंट गुजारने के बाद पानी को कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और ये वाला काम याद रखिएगा नॉर्मली नहीं होता, ये वाला काम नॉर्मली नहीं होता, आप जब करंट गुजारोगे पानी में से तब भी ये वाला काम हो रहा होता है, क्या आपका वाटर टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वैसे ये होता है क्या है कि वाटर को आप इस तरह कर सकते हो, इस तरह जब ये पानी करंट गुजारते तो ये हाइड्रोजन आपसे मिल जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, टूट रहा है। अब ये जो अमल है ना टूटने का करंट गुजार के, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस, सही है, तो यही डेफिनेशन लिखेंगे, द केमिकल डीकम्पोजिशन, ये बेसिकली केमिकल डीकम्पोजिशन है, केमिकल को तोड़ना है, केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय को तोड़ना है, केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट, इनटू इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट में, कंपोनेंट बेसिकली जिज़ाब कहते हैं, कि आपने करंट गुजारा, करंट गुजारने को ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है तो आपने इन दोनों चीज़ों में तोड़ दिया, इनटू इट्स कंपोनेंट बाय पासिंग, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थ्रू इट्स सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट, इसका हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी एक डेफिनेशन कर सकते हैं, इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन है कि अगर करंट गुजार के नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाया जाए तो इसको भी इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दे देते हैं, या फिर इस तरह या आपकी बुक ने भी की हुई है, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड
वो तरीकाकार जिसमें करंट को इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू कैरी करने के लिए, मुकम्मल करने, कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने के लिए जब हम किसी चीज़ में से करंट गुजारते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड। अच्छा, आपने चैप्टर नंबर 7 में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ा हुआ है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद नहीं होता है। बस पानी पड़ा हुआ है ना, पानी कभी भी खुद ब खुद हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन आपने क्या किया, इसमें से करंट गुजारा है, करंट गुजारने के बाद ये कन्वर्ट हुआ है। क्या ये पहले करंट गुजारा है, करंट गुजारने के बाद इसको क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, डेट्स व्हाट इज नोन एज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद नहीं होता वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। सही, इलेक्ट्रोलिसिस अगर सिंपल बात कहूँ, करंट गुजार के ना किसी चीज़ को तोड़ना है, ये कॉन्सेप्ट है। करंट गुजार के किसी भी कंपाउंड, मतलब मैं NaCl में से करंट गुजारता हूँ ना, NaCl को पिघला के मैं करंट गुजारूँ तो ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस कहला रहा था इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद एक टर्म है और आयोनाइजेशन। देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी थी आयोनाइजेशन एनर्जी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी अलग चीज़ है। आयोनाइजेशन एनर्जी अलग चीज़ है, जबकि एक जो टर्म हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है आयोनाइजेशन, ये अलग है। आयोनाइजेशन क्या होती है कि हमारे पास कोई भी, याद रखिए आयोनाइजेशन हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। कैसे, आयनिक कंपाउंड NaCl है ना, NaCl को पानी में अलग करो तो ये क्या बना देगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन। आपने NaCl को लेके पानी में अलग करना है, पानी में अलग करने के बाद हमारे पास Na प्लस आयन बनेगा और साथ में Cl माइनस आयन बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जिसमें ये वाली चीज़ आयनिक कंपाउंड आयन में तब्दील हो रही है, तो इसको आयोनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या होता है ये आयोनाइजेशन द प्रोसेस, वो तरीकाकार इन विच एन आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड, एक आयनिक कंपाउंड बदल जाता है इंटू इट्स आयंस इन द मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म, इन मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। सही है, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, जब NaCl को पानी में डाला जाता है तो उसकी आयोनाइजेशन इस तरह होती है, व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर, जब NaCl को दाखिल किया जाए एडेड इन वाटर तो हमारे पास क्या होगा, NaCl है, जैसे आप पानी में डालोगे तो ये हमारे पास बनाएगा Na प्लस साइन और साथ में Cl माइनस साइन। यहाँ मैं ए क्यू लिखूंगा और यहाँ पे भी ए क्यू लिखूंगा। सही है, ए क्यू का मतलब क्या है, एक्वस है, एक्वस का मतलब क्या है, ये पानी में अलग किया हुआ है। सही है, तो ये हमारे पास आयन बने हैं, मतलब किसी भी शय को लेकर उसको पानी में अलग कर दो, इसको पिघला लो तो उससे जो आयन्स बन रहे होते हैं, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे होते हैं, आयोनाइजेशन। में कैल्शियम क्लोराइड है, इसको पानी में डालोगे दो आयन्स बनेंगे, कैल्शियम प्लस टू, ऊपर चार्ज आ गया, ये आयन बन गया Cl माइनस वन। किसी भी शय के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं आयन का। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आयन्स बने हैं, एंड जिस प्रोसेस के जरिए आयन बन रहे हैं, मतलब आपने नमक को लेकर पानी मल किया, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का अपने आयन में बदलने के अमल को, अपने आयन में बदलने के अमल को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो पास्ट पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। सही है, तो बच्चे यहाँ पे आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की दो टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में एक सिंपल सी बात याद रखिएगा बच्चे, ये वाली कंडक्शन हो रही होती है फ्री आयंस की वजह से, और ये वाले कंडक्शन मेटालिक कंडक्शन हो रही होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही होती है। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से करंट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, करंट गुजार के किसी चीज़ को तोड़ना है।
बस आप पानी में से कार्बन गुजारते हो कि आपके कंपोनेंट में तब्दील हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। NaCl में से कार्बन गुजारते हो अगर पिघला के या सॉल्यूशन फॉर्म में यानी और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। और आयनाइजेशन एक याद रखिएगा फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। इसमें आप किसी भी शय को लेते हो उसको पानी में डाल देते हो, आयनिक कंपाउंड को लेकर पानी में डालोगे वो जो आयन बन रहे होते हैं इस प्रोसेस को आयनाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो यही है हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।